अपने घर की छत पर विमान बनाने का कारनामा कर दिखाने वाले कैप्टन अमोल यादव के सपनों को पंख लगने वाले हैं। मुंबई में शुरू 3 दिवसीय मैग्नेटिक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में अमोल यादव की कंपनी थर्स्ट एयरक्राफ्ट के साथ 35,000 करोड़ रुपए का सामंजस्य करार किया गया। इससे अब जल्द ही देश में मेक इन इंडिया का विमान उड़ान भरेगा। महाराष्ट्र के पालघर में पहला स्वदेशी विमान कारखाना बनेगा जिसमें करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। महाराष्ट्र सरकार ने विमान कारखाने के लिए पालघर में 155 एकड़ जमीन देने के लिए सामंजस्य करार किया है। उन्होंने कहा कि हमने पहला विमान बनाना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 4 विमान तैयार किए जाएंगे जिसमें 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पहला विमान 4 से 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद उसका ट्रायल होगा और फिर नियमित उड़ान शुरू की जाएगी। सभी विमान 19 सीटर होंगे। छोटा विमान होने से यह हर एयरपोर्ट से उड़ान भर सकेगा। छोटे विमान से जहां देश में रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी वहीं बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन भी होगा। विमान कारखाने के लिए महाराष्ट्र सरकार जमीन, पानी और बिजली के अलावा आर्थिक मदद भी मुहैया कराएगी। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।